नमस्ते, मैं हूं अतुल गोपाल और आप हैं आज प्लग इन इंडिया के चैनल पे। और आज लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी, ईवी फॉर यू। हाँ जी, इसका नाम ईवी डबल ई डबल वी ई है। और हमें ये गाड़ी पहली बार ऑटो एक्सपो में दिखी। ईवी का स्टॉल बड़ा ही अच्छा बनाया हुआ था और गाड़ी भी बहुत सुंदर दिख रही थी। तो हमारे साथ हमारे जो दोस्त थे विजय छेड़ा, वो गाड़ी से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि उनने इमीडिएटली एक गाड़ी खरीद ली और उनकी गाड़ी हम लोग आज लेकर के आए हैं और उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मॉडल का नाम है फॉर यू और ये गाड़ी का नाम है ईवी फॉर यू। गाड़ी स्टाइलिंग के मामले में थोड़ी बहुत इटालियन जैसे लगती है। आप देखेंगे कि कई ईवी वाले मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो वेस्पा की जो स्टाइलिंग है, थोड़ी सी एक रेट्रो स्टाइलिंग है, उसको पसंद करते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा एक 1950s 1960s का एक वेस्पा का लुक दिखेगा, क्योंकि सामने बड़ा सा एक लैम्प डाला हुआ है जो काफ़ी पावरफुल है और पीछे भी एक गोल आकार का एक टेल लैम्प डाला हुआ है जिसमें कि बल्ब दिया हुआ है अंदर। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे अगेन रेट्रो लुक देने के लिए एक हैंडल बार जैसे बनाया हुआ है यहाँ पे, जो स्पीडोमीटर है वो भी गोल आकार में है। तो एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जो रहती है स्टाइलिंग में वो इस गाड़ी में है। इंडिकेटर्स को अगर आप नोट करेंगे तो इंडिकेटर्स भी काफ़ी क्यूट से बॉडी के अंदर बने हुए हैं, तो आपको कम से कम उसके टूटने का कम से कम डर तो नहीं रहेगा। स्विच क्वालिटी ठीक ठाक है, अबव एवरेज कहूँगा मैं उनको। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि हम स्टाइलिंग में शायद नहीं बात करेंगे, लेकिन फिर भी, कि गाड़ी के जो ब्रेकिंग है वो बहुत बढ़िया लगी मेरे को। आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है। तो हाइड्रोलिक होने की वजह से आपको जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम, मतलब कम डिस्टेंस में आपकी गाड़ी रुक जाती है। हालांकि कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये डिस्टेंस इतना भी कम नहीं होना चाहिए शायद, लेकिन आई थिंक एक थोड़ा सा आदत डालने वाली बात है ये। कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो सिंपली ईवी है, मतलब ऑफकोर्स डबल ई वी ई। और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे के जो नंबर प्लेट की जगह है वहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है उससे काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। और आगे भी आपको छोटा सा एक ब्रांड दिखेगा। ये गाड़ी लो स्पीड वाली गाड़ी है तो इसको कोई नंबर प्लेट नंबर वगैरह आरटीओ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। आते हैं अभी हैंडल बार के ऊपर में। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आपका गोल स्पीडोमीटर है। अंदर का जो LCD डिस्प्ले है वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा धूप में आपको रीडिंग में हल्का फुल्का कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। स्विच क्वालिटी जनमैन करके अच्छी है। आपके हेडलैम्प के डिपर डिमर, ये आपके इंडिकेटर के स्विचेस हैं ऑन, ठीक है, ज़्यादा बड़ी आवाज़ नहीं कर रहा है जो कि अच्छी बात है। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड रखने के लिए, जो डिस्क ब्रेक के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आपने बनाई हुई है, दोनों आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। ये एक डमी स्विच है शायद, आई डोंट नो व्हाट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज। ये आपका हेडलैम्प का ऑन ऑफ स्विच है। और ये जो स्विच है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इनफैक्ट आपको दिखाना चाहिए, कि जब आप गाड़ी ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं तो आपके स्पीडोमीटर पे पी नाम का एक फंक्शन आता है। तो LFP बैटरीज में आपके जो पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए आपको एक स्पेशल एक और स्विच दबाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो स्विच है ये दबाने से पी लिखा हुआ है इसके ऊपर में। अब एक बार आपका स्पीडोमीटर का फंक्शन आ गया मतलब गाड़ी इज़ रेडी टू रन। पी अगर आपके साइन आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी रनिंग नहीं कर रही है, वो काइंड ऑफ पार्किंग मोड में लगी हुई है। स्पीडोमीटर में अगर आप गौर करेंगे तो अभी एक 2 नाम का चीज़ बता रहा है। 2 है ये आपकी स्पीड लेवल है, तो इसमें 3 स्पीड लेवल दिए हैं। और ये जो स्विच है यहाँ का वो आपका लेवल कंट्रोल करता है। कई गाड़ियों में हमने देखा है कि एक टॉगल स्विच रहता है 1, 2, 3 के लिए और यहाँ पे एक पुश स्विच है, ये एक बार दबाइए तो 3 पे चले गया, फिर से एक बार दबा दिए तो 1 पे, 1, 2, 3। और बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी जब चालू होती है तो लेवल 2 के ऊपर रहता है जो स्पीड मोड है, जिसमें कि आप आराम से एक 30-35 किलोमीटर पर आर तक जा सकते हैं, तो ठीक ठाक है लेवल वो।
अभी आपको ये दिख रहा है, ये ट्रिप मीटर दिख रहा है अभी जो 0,000 किलोमीटर है, लेकिन अगेन जब हम गाड़ी ऑन करते हैं तो आपको जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, अभी फॉर एग्जांपल 263 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, जिसमें से शायद 200 किलोमीटर मैंने खुद चलाई हुई है, क्योंकि जब गाड़ी मिली तो हमके पास 60-70 किलोमीटर के आसपास ही थे। तो आपको ये टोटल किलोमीटर रीडिंग आती है, और पी दबाने के बाद में आपका थोड़ी देर के बाद में उसका ट्रिप मीटर का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो गाड़ी में दो स्टैंड दिए हुए हैं, एक आपका सेंटर स्टैंड है और एक आपका साइड स्टैंड है। तो सेंटर स्टैंड का जो काफ़ी कन्वीनियंट है, इस पे ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक से मेंटेन किया। अभी आपको मैं फिर से एक बार लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप उसके ऊपर खड़े हो गए और खट करके गाड़ी, ठीक है। तो निकालने के लिए सिर्फ आपको ये पैर आगे रखना पड़ता है, अगर आप पैर आगे नहीं रखे तो पूरी की पूरी गाड़ी आगे घिस जाती है। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा था तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा आगे पैर रखेंगे अगर आप थोड़े से स्मूथ सरफेस पे हैं। अब साइड स्टैंड देख लीजिए इसका, तो साइड स्टैंड है इसका एंगल काफ़ी नीचे की तरफ है, तो इसकी वजह से अगर कोई गाड़ी पे बैठना चाहेगा तो उसको थोड़ा सा डर लगेगा। तो अगर आपके बिल्डिंग में या आपके घर के पास में बहुत सारे रोमांटिक कपल्स रहते हैं तो शायद आपके गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, और रोमांस अगर आपको खुद करना है तो सेंटर स्टैंड का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, हमारे मित्र विजय छेड़ा जो कि काफ़ी कॉनोसियर हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, तो उनका खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न गाड़ी का लुक्स नहीं था, ठीक है। हम लोग ने कुछ एपिसोड पहले डी एक्सप्रेस नाम की एक गाड़ी को कवर किया था जो डिलीवरी व्हीकल थी, और दोनों की कॉमनैलिटी ये है, बॉश मोटर, ठीक है। मतलब आई थिंक जितनी भी हम लोग ने गाड़ियाँ देखी है बॉश मोटर के साथ में, हम लोग को बहुत ही मज़ा आया है गाड़ी चलाने में, और इस गाड़ी का भी टॉर्क एकदम अमेजिंग है। मेरे एक मित्र हैं अभय, जिनको मैंने गाड़ी चलाने के लिए दी, और उनने कहा कि ये गाड़ी को तो सीट बेल्ट के साथ सप्लाई करना चाहिए, इतना ज़्यादा टॉर्क आता है, इतने ज़्यादा झटका लगता है जब आप गाड़ी शुरू करते हैं। तो शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग को आदत है अंडर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि पूरा एक्सेलेटर एक साथ दबा देते हैं, तो ज़्यादा करके जब गाड़ी की पावर कम रहती है या फिर कंट्रोलर शायद उसका एक डिज़ाइन ऐसा हो कि आपको फुल पावर एक साथ शुरुआत में देता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप टॉर्क कम लेंगे तो मोटर की एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, ठीक है। तो इसमें फॉर सम रीज़न आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है और बहुत ही बढ़िया टॉर्क मिलता है। तो अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपको धीरे धीरे करके एक्सीलेटर, जैसे कि आप पेट्रोल की गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे आपको चलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो गाड़ी झटका देगी आपको, ब्रेक मारने में भी झटका है और एक्सेलरेशन में भी झटका है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरे एक्सेलरेशन की बात करूं तो आज सुबह जब मैं घर से यहाँ पे आ रहा था तो सिग्नल पे खड़ा हुआ था, तो मेरे ख्याल से जब तक ये गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं पहुंची सारी गाड़ियां मेरे पीछे थी। तो आई थिंक फ्रॉम एन एक्सेलरेशन पिकअप वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू, डबल सीट का भी ट्रायल लिया हुआ है मैंने, पावर इज इनाफ टू काइंड ऑफ टेक यू डबल सीट ऑन मोस्ट स्लोप्स के ऊपर में आप चढ़ जाती है गाड़ी। ओके, तो ये है झटका। स्टॉप, दिस इज लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। तो एक चीज ये गाड़ी के बारे में है जो कि जिनकी भी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा है, तो जब आप बैठते हैं इस गाड़ी पे तो आपका जो पैर है और हैंडल का गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप पीछे जाके बैठ सकते हैं, जैसे कहेंगे आप अगर मैं इस पोजीशन में बैठा तो पीछे तो कोई नहीं बैठ सकता है। लेकिन आपको एक छोटी सी एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। ये जब मैंने गाड़ी पिकअप की मेरे दोस्त की फैक्ट्री से, तो मुझे करीब 60 किलोमीटर ये गाड़ी चलानी पड़ी, और चलाते चलाते 1 घंटे के अंदर पीठ में थोड़ी सी दर्द होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये दर्द का कारण ये है कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है, जो फ्लोर बोर्ड है इसका,
इसके और इसके बीच का जो सीट का डिस्टेंस है बाकी गाड़ी में थोड़ा सा वो नीचे रहता है, इसमें ऊपर है, तो उस वजह से आपका जब आप ऐसे बैठते हैं गाड़ी में तो थोड़ा सा पोस्चर जो है वो ठीक नहीं रहता है। फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने एकदम योगिक यू नो बाबा रामदेव जैसे गाड़ी चलाना फिर शुरू कर दिया। तो इसका चलाने से मेरे को फिर जब पैर के एंगल थोड़े से ठीक हो गए तो फिर सब ठीक रहा। तो अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" है, जो कि काफ़ी महिलाओं की रहती है हमारे देश में, तो उनके लिए ये गाड़ी ठीक है क्योंकि आपके पैर भी नीचे पहुंच जाते हैं और आपके पीठ को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। बाकी दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर में जंप मार लेती है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, आवाज़ें नहीं आ रही हैं, क्रैक रैटल नहीं है कोई गाड़ी में, स्प्रिंग्स काफ़ी ठीक ठाक लगते हैं। तो अगेन सस्पेंशन के मामले में भी गाड़ी को भी फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको अभी इसकी बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो बैटरी आपके लगेज कंपार्टमेंट में है यहाँ पे नीचे आपकी सीट के, तो जो खोलने का जो एफर्ट है काफ़ी कम लगता है, काफ़ी स्मूथ है। अगर आप पूरा बैटरी कंपार्टमेंट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, बाहर की स्टाइलिंग अंदर की स्टाइलिंग दोनों मेरे को बहुत बढ़िया लगी गाड़ी के बारे में। आप नोट करेंगे कि यहाँ पे दो बैटरी रखने की जगह है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप दो बैटरी के साथ में गाड़ी लेते हैं तो कम से कम आपको 100 किलोमीटर रेंज मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो इसके साथ में एक चिगोरी कनेक्टर नाम का लगा हुआ है, तो चिगोरी में आपको इसको सिर्फ रोटेट करके पुल करना रहता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गया बाहर, ठीक है। तो ये अब हम इसको बैटरी को उठाते हैं, ठीक है। तो ये है रफली 10 किलो 10.5 किलो की बैटरी है और 10 किलो एक साइकोलॉजिकल एक एर्गोनॉमिक वजन है जो कि स्वॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने जो रिवोल्ट मोटरसाइकिल्स के साथ देखा है जहाँ पे कि बैटरी का वज़न 20 किलो के आसपास है, यूज़र खुद बैटरी उठाने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी ने लोग अपॉइंट किए हुए हैं स्वॉपिंग स्टेशंस पे कि जो कि आपकी बैटरी निकाल करके आपको लगा करके दूसरी देते हैं, तो 10 किलो के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो रेंज का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है करीब, चलो आपको कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने ये गाड़ी उठाई मेरे दोस्त की फैक्ट्री से, शिरवल नाम की जगह है, पूना से करीब 60 किलोमीटर है मेरे घर से ये फैक्ट्री। तो शुरुआत में मैंने इसको अपना टेस्टिंग मोड में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके साथ चलना शुरू किया। तो बैटरी में आपके 5 बार होते हैं, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको बार्स, और काफ़ी मेरे को रिलायबल से लगे वो। तो 8.5 किलोमीटर में मेरा पहला बार डाउन हो गया था। हो सकता है कि मुझे गाड़ी बिना फुल चार्ज किए मिली हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग गया क्योंकि अगर समझो 8-9 किलोमीटर एक बार में जा रही है तो इसका मल्टीप्लाइड बाय 5 आपके 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलेगी नहीं, और मैं चाहता था कि मैं घर सीधा पहुंच जाऊं बिना कहीं रास्ते में रुके हुए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी लेवल डाउन कर दी, लेवल 3 से मैं आ गया लेवल 1 के ऊपर में, और लेवल 1 पे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ में मैं घर पहुँच गया और फिर भी एक बार बचा हुआ था। तो आप लेवल 1 पे चलाएंगे तो 100% गाड़ी के आपके करीब 70-80 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जानी चाहिए, लेवल 3 पे शायद 50 के आसपास मिल जानी चाहिए। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बैटरी बार के बारे में बता रहा था। तो आप इस तरह देखेंगे तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 बार की जगह बनाई हुई है। इस समय बैटरी में आप देख रहे हैं 3 बार है और काफ़ी रिलायबल है इनका जो सिस्टम है, क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं होता है। अगर आपके वोल्टेज बेस्ड अगर आप रेंज कर रहे हैं तो उसमें ऊपर नीचे होते थे, ये गाड़ी में बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी रिलायबल है। लेवल 1 पे आपको एक बार में करीब 15-16 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। तो इसका जो BMS है वो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, तो काफ़ी एक प्रीमियम टाइप की गाड़ी है और इसके अंदर बैटरी भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और जो BMS है वो भी काफ़ी रिलायबल लग रहा है, सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, ये एक अगेन प्रीमियम प्रोडक्ट फीचर टाइप है, आपको एक USB पोर्ट दिया हुआ है और हमने अपना फ़ोन चार्ज करके देखा भी, यहाँ पे हो रहा है बढ़िया चार्जिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम द यंग जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको मोबाइल चार्जिंग करने के लिए जगह भी दी हुई है यहाँ पे और साथ में आपके पास पोर्ट भी है चार्ज करने के लिए।
ये आपने सिर्फ इसको अंदर रखा और दबाया, ठीक है, और ये फिर आपने ये गाड़ी के साथ चार्जर दिया हुआ है, और क्योंकि हमने दूसरी बैटरी नहीं लगाई हुई है, हमारे पास चार्जर रखने की बहुत सारी जगह है। चार्ज करने के लिए करीब 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं इस गाड़ी को। तो गाड़ी के बारे में क्या राय है हमारी फाइनली? बहुत बढ़िया गाड़ी है, सस्पेंशन बढ़िया है, रेंज ठीक ठाक है, टॉर्क और पिकअप बढ़िया है। क्या बदलना चाहेंगे हम लोग? शायद थोड़ा सा एक कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चेंज करना थोड़ी सी मुश्किल है, तो लोग चाहेंगे नहीं कि ये झटके खाएं, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा कंट्रोलर के एक प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और दूसरा, ये वाला पर्टिकुलर गाड़ी जो हमको मिली है, इसमें ब्रेकिंग काफ़ी इंस्टेंटेनियस है, तो थोड़ा सा एक ग्रेजुअल ब्रेकिंग, बट खैर ABS वगैरह आजकल गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो EV में जो विदाउट लाइसेंस वाली EV है, लो स्पीड वाली, उसमें ABS डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगेन कुछ एक सेटिंग वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो अगर शायद दूसरे गाड़ियों में हम चेक करेंगे, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो शायद ब्रेकिंग को भी आपको एक ग्रेजुअल टाइप का होना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, इमीडिएटली आपको पूरा का पूरा फोर्स डिस्क के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा एक मॉडल होता जिसमें सीट की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती तो मेरे से लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी घर वाली बहुत खुश हैं इससे, और मेरे से मोहब्बत छोड़ करके उनको अब ये गाड़ी से मोहब्बत हो गई।